एक ऐसा सवाल ना कर, आप ये कह रहे होता हैं कि इंडिया को एक्सेस दी गई है, मुझे बताएं मेरे ख्याल में ये रैंकिंग या जो भी सीडिंग की गई ये बड़ी बेहतरीन थी, क्योंकि सब टीमों के लिए हम तो टॉप अपने 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 ग्रुप में सुपर एट से पहले टॉप पे आ सकते थे आफ्टर बीटिंग इंडिया। नहीं, अगर हम टॉप पे होते तो ये सारे मैच हमारे हो जाते, तो फिर हम क्या कहते कि हमें सीडिंग दी गई है या हमें आगे तक पहुंचाया गया। नहीं, ये दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट वी कैरी। यू नो इंडिया जीत गई है तो उसका एक्सेस इजी हो गया, पाकिस्तान जीत जाता है तो ये सारे मैच पाकिस्तान और पाकिस्तान को तो क्रिकेट फैन कह रहे हैं थोड़ा हर्ट भी हुआ है ना, मैं भी इसी तरह हर्ट को अपने फैक्ट्स के ऊपर ना ना आने दें। हाँ जी, ठीक है, हम भी हमारी बातों से तासुर ये जा सकता सुनने वाले को कि शायद ये कोई फेवर दी गई है, लेकिन अगर पाकिस्तान टॉप कर जाता, ग्रुप मैच जीत जाता तो ये सारे मैच पाकिस्तान के हो जाने थे, तो फिर इंडिया ने कहना था, इंडिया से भी कोई हर्ट होता उन्हें कहना था देखो जी इनको इजी एक्सेस मिल गई है। सो आई थिंक कि ये बातें नहीं करनी चाहिए, वो क्रिकेट ही अच्छी खेल रहे हैं, जनरली दे आर इन यू नो कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, दे हैव द प्लेयर्स, दे हैव द बैकअप एंड उसके लिए उन्होंने मेहनत की। हमारी तो हर साल डोमेस्टिक खेल जाती है, अभी जब हम इस पे आएंगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, भी आज सामने इस पे वन थिंग मोर। मैं ये कहना चाह रहा था कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बगैर भी इंडिया जो है वो इस तरह से डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस तरह से विराट अभी उसका बल्ला नहीं चल रहा, ऑल्दो 24 के बाद मेरे ख्याल 37 किया उन्होंने पिछले मैच में 24 रन। ये भी सवाल है कि उनका मजीद बेहतर खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। देखिए ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, अगर वही सब कुछ कर जाते तो कोई नया स्टार बनता। अभी क्या हम क्या बात कर रहे हैं कि बगैर उनके टीम जीत रही है, दिस मींस के दे आर कंप्लीट, दे डोंट नीड हिम टू फायर एवरी टाइम। और पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि व्हेन टॉप ऑर्डर डजंट वर्क नोबडी इज देयर, किसी का इंटेंट नजर ही नहीं आता। एनीवेज अब जरा बात करते हैं और इसमें एक और भी ऐड जो सलमान ने बात की है, जो जिम्बाब्वे का टूर करना है इंडिया ने 6 जुलाई को, सारे उस तमाम लड़कों को रेस्ट करवा रहे हैं, शुभमन गिल को कैप्टनसी दे रहे हैं, IPL के जितने लड़के थे रिंकू सिंह देश पांडे वगैरह वो सारे जायसवाल वो सारे वहां पे जा रहे हैं। तो सही कह रहे हैं के विराट कोहली का फॉर्म में ना होना जो ना ब्लेसिंग ही डिस्गाइज़ है। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 22 T20 मैचेस में 794 रन स्कोर कर चुके हैं। ओके, अच्छा, सो लेट्स सी हाउ इज ही गोइंग टू परफॉर्म टुडे। अच्छा, आई वांट टू आस्क हिम अबाउट इंग्लैंड, क्योंकि कल जो खेला है ना बटलर ने आके, मतलब कि वो 9th ओवर में 5 छक्के, पार्टनरशिप देखी हमने जनाब एक ही पार्टनरशिप, क्योंकि किसी को खेलने का मौका नहीं दिया, जिम्मेदारी संभाल ली जनाब, 117 की पार्टनरशिप ऑन 59 बॉल्स। हाउ डू यू सी बोथ ऑफ दीस प्लेयर्स, स्पेशली बटलर? बटलर के लिए आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और वर्सटाइल है, उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स जो है वो 360 डिग्रीज है, हर तरफ खेलता है, पेस को स्पिन को सभी को अच्छा खेलता है, और कुछ ऐसी यूनिक शॉट्स हैं कि जिस एंगल से वो खेलता है उस शॉट में इतनी जान नहीं होती जब कोई और प्लेयर खेलता है, लेकिन वो उन एंगल से भी छक्का मार देता है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज़, और उसके जो बैकग्राउंड है फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी टू इंग्लैंड, Everywhere he has been a topper. आप उसका बचपन से लेके ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड की कैप्टनसी तक देखें तो वो ही सीम्स राइट एट द टॉप एवरीवेयर दैट ही हैज प्लेड। सो इज एन आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल, खाली क्रिकेटर नहीं आप कहेंगे, एजुकेशन वाइज भी आप उसको देखें, हर तरह से देखें। और अभी उसने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि IPL के दौरान ना वो नहीं होने चाहिए बायलैटरल्स ड्यूरिंग दैट, तो उस पर बड़ा बैकलैश आया दुनिया से, बट वो अगेन लीडर्स आर अहेड ऑफ टाइम, उसने जो बात की है ना थोड़े दिन बाद ये सारे वही बातें करेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल डिड एंड ऑलरेडी विंडो दे दिया ICC ने कि उस दौरान ICC का इवेंट कोई नहीं होगा अब, यानी हम भी हो ही नहीं सकता ना, सारे प्लेयर तो उनके पास है, तो हो कैसे सकता है? नहीं, वो छोड़ के तो चले गए थे ना, देखे 4 इंग्लैंड के प्लेयर चले गए थे ज्वाइन अपना स्क्वाड पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये एक बड़ी एक अजीब सी बात होगी, यानी कि अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी पाकिस्तानी जो हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे ना, तो वो हमारे प्लेयर्स वहाँ पे, क्योंकि ICC, मैं नहीं कह रहा कि हमें क्यों नहीं बुला रहे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनका हुक्का पानी बंद किया हुआ हमारे प्लेयर्स का कि इनको हमने नहीं बुलाना। अच्छा, फिर क्या सारी दुनिया की क्रिकेट आप ख़त्म कर देंगे? सारे दुनिया के प्लेयर्स तो नहीं चार चार पाँच पाँच छः छः आके IPL खेलते? सर, पाकिस्तान भी अपनी लीग कराने लगा है ना उसी टाइम में, तो उसके साथ ही एडजस्टेंटली अपनी लीग कराने लगा है, तो जो प्लेयर्स दुनिया में बहुत प्लेयर फारिग बैठा होता है तो वो सारे फिर इधर आ जाएंगे। अब ये है कि मुझे तो आप भी बिजी हो जाएंगे। PSL जो है ना, अब उसके स्टैंडर्ड, पहले तो मुझे बड़ा था कि जी कुछ प्लेयर्स दे आर कमिंग अप, अब मुझे है कि उसके आगे क्वेश्चन मार्क है कि जो परफॉर्मर इसके हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर के परफॉर्मर नहीं है। सर, ये T20 की बात है, मैं T20 की बात ही कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि T20 के बेस पे जब आप बंदा उठा के समझते हैं ना कि ये रेडी है, तो फिर वो अंदर से वही दरे वाला शैम्पू निकलता है, जब आप खोलते हैं अंदर पानी होता है,
ठीक है ना, वो दैट इज नॉट करेक्ट. जब तक एक बंदे की ओवरहॉलिंग ना हुई हो, जब तक उसके बेसिस स्ट्रांग ना हो, आप खुद आपने फरमाया काफ़ी दफ़ा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है. इंडिया में आईपीएल का एक्सपोजर जितना मर्जी हो जाए, जब तक रणजी ट्रॉफी से ना कोई यू नो उसके थ्रू ना हुआ हो सही प्रोसेस के, वो नहीं कंसिडर करते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर. हमारा ये है कि हमने उस्मान खान ऐसे आया और ऐसे उठा लिया, दो बंदे ऐसे आए ऐसे उठा लिया. हालांकि वो कोई मेरे ख्याल में अच्छा बट साहब एक और बात बताएं, मुझे यूँ लगता है जैसे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का जिक्र हुआ या यहाँ मोहाली में आप देख रहे हैं जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के दफातर हैं, ये खर्चा मैंने आज से काफ़ी साल पहले महसूस कर लिया था कि वहाँ पे अगर डालमिया बैठा हुआ या बिंद्रा बैठा हुआ है या सालवे बैठा हुआ है, हमने क्यों नहीं ऐसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर पैदा किए जो आउटस्टैंडिंग हो, परसोनेबल हो, आर्टिकुलेट हो, वेल एजुकेटेड हो, थोड़ा लॉ को भी समझते हो. यहाँ पर जी जरूरी में लग रहे थे क्रिकेट बोर्ड की, मुझे ये समझ इनकी इंडिपेंडेंट हैसियत क्यों नहीं है. अच्छा वो सर्वाइवल किस लिए रणजी ट्रॉफी का, क्योंकि रणजी ट्रॉफी जो है वो महाराष्ट्र का, पंजाब का और दीगर जो बड़ी बड़ी 25-26 एसोसिएशन है उनका बेबी है, वहाँ पे टिकट भी लगता है और वहाँ के रणजी ट्रॉफी के जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है फ्रॉम बीसीसीआई. अच्छा बार वहाँ पे इसलिए इसका वजूद जिंदा है रणजी ट्रॉफी, एक वजह उसकी ये भी है वो उसको ओन करते हैं. हमारे यहाँ पर कायद अजम ट्रॉफी के साथ हुआ है जो हुआ. अच्छा एक और चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक और दिलचस्प बात बता दूँ, 47 से लेके 52 तक हमारे मुल्क में कोई फर्स्ट क्लास नहीं, हमें 52 में मिल गया ना, उसके बाद भी जब कैदम ट्रॉफी शुरू हुई है 54 में शुरू हुई थी, तो हमारा एक फर्स्ट क्लास का मैच होता था, वो होता था गवर्नर्स लेवल वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी लेवल, एक फर्स्ट क्लास मैच साल. उसके बाद कितनी शानदार इमारत हमने डेवलप कर ली, उसकी वजह यह थी कि उस वक्त वही जो इस वक्त अगवानी कर रहे हैं, हमारे कॉलेज बॉयज़ में इतनी विल और स्किल थी कि हमने लम्हा डाल दिया उस सदी की बेहतरीन टीम इंग्लैंड को, जिसने 20 साल बाद एशेज सीरीज जीती थी, फिर और इंडिया को 52 में रहा जो कि 3 मर्तबा दौरा कर चुकी हुई थी इंग्लैंड का, और 47 में ऑस्ट्रेलिया का ब्रेडमैन के खिलाफ टूर कर चुकी हुई थी. कैसे कैसे उनके क्रिकेटर थे, नाम लेना शुरू कर, तो आप कहेंगे पुरानी बातें करनी शुरू कर दी. तो ये रवायत थी इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के लड़के थे जिन्होंने पूरी इंडिया को लाया था, और स्टेट्स मैंने सुर्खी लगाई थी कि लाहौर कॉलेज बॉयज डिफीटेड ऑल इंडिया, शेम ऑन इंडिया. तो ये इस पर थोड़ा सा हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें किस हद तक अपने डेवलूट करना है क्रिकेट को, किस हद तक ये कोई बात करते ही नहीं. हमारे यहाँ पे डायरेक्ट शुरू होते हैं जी फलाना पैसे लेके मैच हार गया है और फलाना बोर्ड ये कर रहा है, फलानी की उम्र इतनी है, फलाना तनख्वाह है, इससे हम निकलते ही नहीं है. ठीक है चलें जी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. तो जो पीसीबी के मामला अभी बड़े गर्म है और एक जो मीटिंग हुई है उस हवाले से डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद.